फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिस्किट केक। पार्ले जी बिस्किट से हम केक बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए, मैंने ये बिस्किट के पैकेट लिए हैं। तीन बिस्किट के पैकेट आप ले सकते हैं। एक दूध का गिलास लिया है, कोकोआ पाउडर लिया है और पिसी हुई चीनी ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्किट को तोड़ के, और ये इनो भी लिया है, बिस्किट को तोड़ के हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, मैंने बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है। इसका एकदम पाउडर बना लेना है। उसके बाद में इसमें कोकोआ पाउडर डालेंगे हम एक चम्मच। ये कोकोआ पाउडर इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देना है। उसके बाद में हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा चीनी डाल लेंगे। ये मैंने एक चम्मच इसमें चीनी डाला जो ग्राइंड कर रखी थी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब इसमें डालेंगे दूध। हमें दूध इतना ज़्यादा भी नहीं लेना, इसके पेस्ट के हिसाब से ही हम लेंगे। ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना है इसका। हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी अपन डाल सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। में एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए कुछ कुछ है ना, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। ये इनो का पैकेट हम लास्ट में डालेंगे जब हमें इसको इडली वाले बर्तन में हम केक को रखेंगे तब। ये हम बनाएंगे इडली वाले बर्तन में। चलिए, हमने गैस ऑन करके और ये इतना पानी लेके और ये चढ़ा देंगे जब तक ये गर्म होता है। इसी के अंदर हम केक बनाएंगे। स्टैंड हम रख देंगे। बैटर इसमें डालने से पहले हम थोड़ा इसको चिकना कर लेंगे। किसी से भी घी या तेल, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कर लीजिए। चल, इस बर्तन में हम बैटर निकालेंगे। इसमें हमने थोड़ा ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा इसमें मैदा भी डालेंगे। अब हम जब इसमें रखना है तो हम इसमें इनो पैकेट डाल देंगे। एक पूरा पैकेट हम इसमें इनो का डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अभी इस बर्तन में हम ये बैटर पूरा निकाल देंगे। ये देखिए ऐसा रखना है अपने को बैटर। पानी अपना बॉईल हो रहा है, इसको टैप करेंगे अपन, जिससे इसके जितने भी लम्स हैं हो जाएंगे। करने के लिए हम इसमें रख देंगे और इस पे ढक्कन लगा देंगे और इसको 30 मिनट के लिए सिम पे करके पकने देंगे। अब 30 मिनट बाद में हम इसको चेक करना है, तब तक छोड़ देते हैं इसको। हो गए, अब हम इसको खोल के देखेंगे, खोल के चेक कर। ये देखिए अपना केक ऐसा है। अभी हम इसमें नाइफ डाल के चेक करेंगे।
5 मिनट हम और इसको बेक करेंगे क्योंकि अभी ये नाइफ पे चिपक रहा है। देखिए अपना केक बनके तैयार हो गया, कितना स्पॉन्जी बना है आप देख सकते हैं। अभी ये थोड़ा गर्म है, हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। अपना जो केक है वो रेडी हो चुका है एंड अभी हम लोग इसको निकालते हैं। वाओ कितना अच्छा केक आया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। आप चाहे तो इसे कैसे भी करके डेकोरेट कर सकते हैं। एक बार इसको सीधा सीधा कर लीजिए, देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। एंड यहाँ पर हमने 50 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क ली है, उसको ग्राइंड कर लिया है, मिक्स उसमें दूध में मिक्स कर लिया है और वही हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे कितना सॉफ्ट कितना अच्छा केक बना है। आप इसे कैसे भी किसी भी तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं और चॉकलेट के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपना केक रेडी है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।